हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं आज आपको द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, एक्ट 25 ऑफ 1997, जो कि 11 जुलाई 1997 को जो है ये गजट नोटिफिकेशन बना, और ये जो नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 है, इसमें एक से लेकर तकरीबन 78 सेक्शंस हैं, जो कि इस पूरे के पूरे लॉ को कंट्रोल करती हैं। इसमें हर शय जो है वो आपको बताई गई है किस तरीके से होगा, और इसका जो नाफिज करने का तरीका कार क्या होगा, इसके रूल्स बनाए गए हैं। क्योंकि ये इससे पहले पाकिस्तान में नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट नहीं था, स्पेशल यानी कि लॉ जो है वो इन्होंने बनाया, क्योंकि इसमें जो इस कानून के बाद 1997 के बाद इन्होंने कराची में दो स्पेशल कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूट किए, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत 1 और 2 स्पेशल कोर्ट, जहां पर स्पेशल कोर्ट जो है वो तकरीबन इससे जब ये कोर्ट स्टैब्लिश हुए तो उसमें सारे के सारे, चाहे वो लोकल पुलिस के केस हैं, चाहे वो कस्टम के हैं, चाहे नार्कोटिक्स के हैं, चाहे वो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के केसेज हैं, वो सारे के सारे जो है वो इन कोर्ट्स के अंदर जाते थे, जिसकी वजह से कोर्ट्स पर जो है ओवर बर्डन पड़ गया। ओवर बर्डन की वजह से तकरीबन एक एक कोर्ट में 4 से 5 हज़ार केसेस जो है वो पेंडिंग में पड़ गए, और बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हुआ। इसके बाद हालिया दौर में जो कुछ केसेस थे जिसको 9A में कहते थे, और लोकल पुलिस यानी कि वो थानों के बने हुए केसेस होते थे, उनको बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन जो है उनको मॉडल कोर्ट्स बनाकर जो है वहां पर उनको प्रोसीडिंग के लिए भेज दिया गया, फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। इसके अलावा जो बड़े केस यानी 9C के अंदर आते थे, सबसे ज्यादा पनिश 9C 14 15 के अंदर जो आते थे, उन सब का ट्रायल भाई जो है वो स्पेशल कोर्ट था, और चाहे वो लोकल पुलिस का किसी का हो। अब रिसेंटली एक फिर जो है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से, अब वो जो तकरीबन 3 से 4 हज़ार केसेस यानी तकरीबन दोनों कोर्ट्स के लगाए तो हम कम से कम 6 हज़ार के लगभग, 6-7 हज़ार के लगभग केसेस जो है वो दोबारा जो है वो मॉडल्स कोर्ट्स के अंदर भेजे जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के केसेस और कस्टम वगैरह के बनाए हुए केसेस को जो है वो हैंडल करें। तो इस सिलसिले में इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी अरसे से जारी सारी है। इसका जो शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंड टू कमेंस्ड दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, ये सब सेक्शन है इसकी, और सब सेक्शन 2 जो एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, 3 जो है इसकी सब सेक्शन इट शेल कम इन टू द फोर्स एट वंस, नंबर 2 में डेफिनेशन in this act unless there is anything repugnant in the subject or contents, addict mean person physically or mentality depend on any narcotics drugs or b mein hai assets mean any property owned control belong or an accused whether directly or indirectly or the name of his spouse or relative associate whether within without Pakistan or which they cannot responsible account। और इसके बाद इसकी काफ़ी सारी सब क्लास हैं, सब क्लास सी उसकी, फिर 1, 2, 3, 4 यानी उसमें आप समझे कि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ। एनी इंडिविजुअल जो है, एनी एसोसिएशन है, एनी इंडिविजुअल वो, और उसके बाद कैनाबीज हैं, उसके बाद फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है,
लिवीज है, कैनाबीन स्प्राट्स हैं, क्रूड्स है, कोकीन वगैरह है इसमें, इसमें कोका लीफ है यानी मिक्सचर, और उसके बाद कंट्रोल डिलीवरी है, कंट्रोल सब्सटेंस है, डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ऑफ एनी अदर ऑफिसर अपॉइंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द फंक्शन इन द डायरेक्टरेट जनरल अंडर दिस एक्ट। फॉरन कोर्ट मीन यानी बाहर के जो कोर्ट हैं। फ्रीजिंग मीन कोई प्रॉपर्टी एसेट जो होता है उस फ्रीज कर सकते हैं, इसकी होम है, इस तरह इसकी कई है, पप्पी स्ट्रॉज हैं, नार्कोटिक्स ड्रग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन में यानी सेक्शन 2 के अंदर इसकी सब सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। फिर स्पेशल कोड भी इसके मुताबिक ZC के मुताबिक बनाया गया। स्पेशल कोड मीन द स्पेशल कोड एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 46 और एनी अदर कोड एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ स्पेशल कोड अंडर दिस एक्ट, यानी इसके मुताबिक वो कौन कोर्स जो कोड जो कॉन्स्टिट्यूट हुए। उसके बाद नंबर 3 में जो है सेक्शन नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन लिक्विड प्रिपरेशंस। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 4 में प्रोबिशन एंड पनिशमेंट है, प्रोबिशन ऑफ कल्टीवेशन एंड नार्कोटिक्स प्लान इसकी जो है वो प्रोवाइडेड है इसमें। इसके बाद पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन 5 में पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4, इसके बाद सेक्शन 6 में प्रोबिशन ऑफ पोजिशन ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग ETC, 7 में है प्रोबिशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग, सेक्शन 8 कहती है कि प्रोबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स ETC। इसी तरह सेक्शन 9 जो है, ये देखिए सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 की जो सब सेक्शन है वो 3 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6, 7 एंड 8, Whenever contravention of the provision of section 6, 7 or 8 shall be punished with, अब इसमें यहां 3 सब क्लास है, A की punishment different है, B की punishment different है और C की punishment जो है different है। अब जो इसकी क्लास A है, क्लास A में जो है imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both if quantity of the narcotics drug सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस इज 100 ग्राम और लेस, तो इसकी सजा क्या है, 2 साल और जुर्माना। यानी अगर कोई भी इस किस्म की चीज निकलती है तो उसकी सजा यानी कि लेस देन 100 ग्राम जो है इसकी सजा 2 साल तक है। इसके बाद नंबर बी जो है, इम्प्रिजनमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन इफ द क्वांटिटी ऑफ द नार्कोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस एक्सीड 100 ग्राम बट डज नॉट एक्सीड 1 किलोग्राम। अगर 100 ग्राम से ऊपर और 1000 ग्राम तक यानी 1 किलो तक, तो उसकी सजा कितनी है, 7 years और फाइन। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन सी है, 9A, 9B, 9C, ये 3 सेक्शन जो है यूटिलाइज होती है ज़्यादातर। अब सी कहती है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 years एंड शेल आल्सो लाइबल टू फाइन विच मे बी अप टू 1,000,000 rupees इफ द क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस एक्सीड टू लिमिट स्पेसिफाइड इन क्लास बी, प्रोवाइड दैट इफ द क्वांटिटी एक्सीड 10 किलोग्राम द पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। और इसमें डेथ पेनल्टी भी है। तो ये इसकी जो सेक्शन 9 है, इसकी ए बी सी और उसको पीछे जो सेक्शन उनको मिला के 6, 7, 8 और इसके बाद जो है इसकी बाकी सेक्शन जो है 12 है,
वो प्रोबिशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन ऑफ एसेट्स डिलीवर टू द नार्कोटिक्स ऑफेंस, उसके बाद सेक्शन 13 जो है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 12, इसके बाद इसकी जो सेक्शन है वो 14 है प्रोबिशन फॉर एडिंग एबेटमेंट और एसोसिएशन इन द नार्कोटिक्स ऑफेंस। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 15 है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 14, इसके बाद सेक्शन 16 है पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट प्रोवाइडेड, यानी अगर कुछ पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं है तो सेक्शन 16 के मुताबिक करेगा। अब सेक्शन ऑफ ऑफेंस नंबर 17, अच्छा जी इसमें 18 जो सेक्शन 18 जो इसकी इसकी सेक्शन 18 जो है वो फॉरफीचर ऑफ एसेट्स ऑफ एन ऑफेंडर, अगर कोई ऑफेंडर है तो उसके एसेट्स वगैरह फॉरफीटेड कर जाते हैं, फ्रीज कर दिए जा सकते हैं। सेक्शन 20 में है पावर टू इशू सर्च वारंट इसमें इसको दिए जाते हैं। इसके बाद सेक्शन 21 है इसकी, 21 जो है वो डिफाइन करती है पावर ऑफ द इंट्री सर्च साइजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, और इसमें नॉट द बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर जो पुलिस वो इक्विवेलेंट ट्राइज दिस ऑन दिस बिहाफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सब इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का आदमी इसको नहीं कर सकता। इसकी क्लास ए बी सी यानी इसमें एंट्री बिल्डिंग हाउस कन्वेंस ब्रेक ओपन द लॉक डोर वगैरह सारे साइजर ऑफ नार्कोटिक ड्रग वगैरह, इसमें डी में डिटेन सर्च, उसके बाद इसकी सब क्लास बी है बिफोर इमीडिएटली। सेक्शन 22 में पावर है पावर टू साइज एंड अरेस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेस, उसके बाद 23 में पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस, इसके बाद इसकी जो सेक्शन 24 है अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन, इसके बाद 25 में है मोड ऑफ मेकिंग सर्च एंड अरेस्ट, 26 में पनिशमेंट फॉर विक्टेशियस इंट्री सर्च साइजर ऑफ अरेस्ट, उसके बाद 27 में है डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्ट एंड आर्टिकल साइज, 28 में है पावर टू इन्वेस्ट ऑफिसर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विद पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस, इसमें 29 में प्रिजम्पशन फ्रॉम पोजेशन ऑफ इलेक्ट आर्टिकल, 30 में प्रिजम्पशन एज दी डॉक्यूमेंट इन सर्टन केसेस। तो इसकी सेक्शन जो है बाकी पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन 31 में है, इसके बाद वो जो प्रोसीजर फॉर मेकिंग कन्फिस्केशन जो है वो गाड़ी को पकड़ी जाती है, इसके बाद जो है वो फेडरल सेक्शन 34 में फेडरल नार्कोटिक्स टेस्टिंग लेबोरेटरी ETC है, सेक्शन 35 में गवर्नमेंट एनालिसिस है, 36 में रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिसिस है, और 37 में है फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, इसके बाद 38 में ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स, इसके बाद 39 में ऑर्डर फॉर फॉरफीचिंग ऑफ एसेट्स, इसके बाद 40 में फॉरफीचर एसेट पर्सन कन्विक्टेड अब्रॉड, अगर कोई बार बुक में होता है प्रोविजन फॉर एलिनेशन ऑफ फ्रीजिंग प्रॉपर्टी, इसके बाद 44 में मैनेजमेंट एसेट फ्रीजन फ्रॉम फॉरफिटेड, इसके बाद ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस 45 में ज्यूरिडिक्शन है इसकी, 46 में एस्टेब्लिश ऑफ स्पेशल कोर्ट इस सेक्शन के मुताबिक हुए हैं, 47 में एप्लीकेशन फॉर कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, यानी इसमें 47 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो अप्लाई किया जाएगा, अपील है इसमें 48 में अपील का टाइम दिया गया, और अपील का टाइम जो है जो हाई कोर्ट के दो जज सुनेंगे, और इसका टाइम वो 30 डेज टाइम है इसका फ्रॉम, और सेक्शन 49 में ट्रांसफर ऑफ केसेस, अगर कोई आप केस ट्रांसफर कराना चाहें, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर सेक्शन 50 के मुताबिक अपॉइंट होता है, और ये जो इसका बेल का प्रोसीजर है, देखिए बेल का जो प्रोसीजर है क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, इसकी सेक्शन 51 कहती है नो बेल टू बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन ऑफेंसेस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 496 497 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड टू एन चार्ज विद ऑफेंस एक्ट और अंडर लॉ रिलेटिंग टू। अच्छा, इसमें ये सारा आ गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ETC और इसके बाद जो है सारा वो सेक्शन जो है वो रिलेटेड है, इसकी बहुत एनुअल रिपोर्ट है, इसकी अथॉरिटीज है 56 में, इसके बाद म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट है, 59 में फॉरन रिक्वेस्ट ऑफ एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर है, इसके बाद फॉरन रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट, 61 पे फॉरन पर्सन इन पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू, और बाकी मैं आपको फिर इसके बारे में। अच्छा, द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के मुताबिक जो है इसके अपने स्पेशल जज हैं, स्पेशल जज जो पूरी कराची को हैंडल करते हैं, दो जज हैं, कोर्ट नंबर 1 एंड कोर्ट नंबर 2, और इसका जो प्रोसीजर है जाहिर है CRPC जो है वो CRPC को फॉलो करता है, और दूसरा ये पुलिस रूल्स जो है उसको भी फॉलो करता है।
तो मैं समझता हूँ जब आप जमानत के लिए इन कोर्ट्स में जाते हैं तो 497 जो है उसी में इसकी जमानत आप फाइल करते हैं, 498 में आप बेल बिफोर अरेस्ट फाइल करते हैं। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस तो वैसे इसमें है नहीं, लेकिन 497 और 498 का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर कोई फर्ज उसके पर सिर्फ एलिगेशन हो कि वो मौके में नहीं पकड़ा गया, को अक्यूज का स्टेटमेंट्स जैसे वो आर्टिकल 38-39 के ऊपर कोई मुलजिम अगर उसका नाम हो चालान में, जैसे बहुत से केसेस में ये चालान में नाम आ जाते हैं, तो उसके लिए उसके पास रिमेडी अवेलेबल है कि वो या तो हाई कोर्ट से जाकर प्रोटेक्टिव बेल करवाए या डायरेक्टली जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो फाइल कर सकता है स्पेशल कोर्ट में, 1 or 2 में जहाँ की ज्यूरिडिक्शन हो। इसको एरिया वाइज डिवाइड किए हुए हैं कोर्ट्स, यानी वो पुलिस स्टेशन इनके जो है आई थिंक पहला पुलिस स्टेशन का क्लिफ्टन का है, गुलशन इकबाल का है, उसके बाद कोरंगी का है, उसके बाद हब वगैरह साइड पे भी है क्या, तो ये थाने इनके डिस्ट्रीब्यूट हैं ऑलरेडी और इसके हिसाब से कोर्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो वो बेल बिफोर अरेस्ट वहाँ फाइल हो सकती है। ऐसा नहीं कि बेल 51 में बिल्कुल ही बाहर है, भाई आप तो बेल ले ही नहीं सकते, वो तो हर शहरी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भाई, वो नहीं कि फेयर ट्रायल के लिए आर्टिकल 10 जो है प्रोवाइड करता है। तो मेरा ये कहना है कि 497 में भी देखें जमानत होती है। मैंने अभी लास्ट ईयर जो है एक मुलजिम क्वेटा से लाते हुए अकॉर्डिंग टू दी प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है 153 केजी जो है वो चर्स आ रही थी एक प्राइवेट जीप में, या प्राइवेट जीप थी उसमें, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको बेल नहीं मिली, उसको बेल मिली बाकायदा, और उसमें हाई कोर्ट ने ये बेल ग्रांट की और मुलजिम को जो है वो मुलजिम आजकल जमानत पर है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको बेल नहीं मिलेगी, बेल मिलेगी, आपके ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अपनी बेल एप्लीकेशन में ग्राउंड्स क्या ले रहे हैं, बस ये एक फॉर्मल ग्राउंड जो वो टाइपिंग पे लगे होते हैं उससे हटके ज़रा इस बेल के अंदर ग्राउंड जो है अपने बेल एप्लीकेशन फाइल करने से पहले अपने क्लाइंट से कंसल्टेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको क्यों पकड़ा गया। आया इसमें देखें बेगुनाह लोग भी पकड़े जाते हैं, बेकसूर लोग भी पकड़े जाते हैं और इसमें कसूरवार भी पकड़े जाते हैं, लेकिन ये फैसला तो अदालतों ने करना है कि कौन कसूरवार है और इसका इसकी इस उसकी जो जो इसकी तमाम जो उसकी ग्राउंड्स वगैरह हैं, ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड फिजिबिलिटी जो है वो उसमें आपने बताना है, उसको कोर्ट को आपने बताना है। कोर्ट ने कोर्ट देखें कोर्ट आपको सुनती है, प्रोसिक्यूशन को सुनती है, उसके बाद फैसला करती है। प्रोसिक्यूशन का केस अगर मजबूत है तो जाहिर है फिर आपको बेल तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें देखें वो 103 की वायलेशन और ये सारा वो चक्कर यहाँ नहीं है, स्पेशल लॉ है, कोर्ट ये कहता है कि भाई क्यों आपको पकड़ा, आपकी दुश्मनी क्या, आपकी इम्यूनिटी क्या है, तो वो इम्यूनिटी आपको शो करनी पड़ती है, आपको अपने ग्राउंड बनाने पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी आपने जाके बेल फाइल किया और बोला जैसे आप बेल दे रहे हैं मेरा मुलजिम जो है बेगुनाह है, तो आपने देखे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई अपॉन द शोल्डर ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट। लेकिन यहां पर जब जमानत के लिए दरखास्त दायर होगी तो उसमें आपने बताना है, आपने कोर्ट को बताना है कि कहां जो है ये प्रोसिक्यूशन ने गलती की है, कहां जो है ये कंप्लेनेंट की गलती है, कहां इसको जो है फॉल्सली बीन इम्प्लीकेटेड किया है इसको, ये आपने बताना है। और आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होनी चाहिए, जैसे वो CDR वगैरह होती है, CDR वगैरह अगर आप समझते हैं कि आपका क्लाइंट जो है उसके ऊपर एक फॉल्स स्टोरी जो है नरेट की गई है, उसको झूठ में उसको इम्यूनिटी में फंसाया गया है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। आजकल जो है साइंटिफिक दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ये मॉडर्न डिवाइस, इस पर कानून शहादत आर्टिकल 164 जो है बहुत क्लियर है, इस पर डिसीजन भी हो सकता है, तो उसकी जमानत जो है हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बस इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ पेनल्टी है, तो भाई इसमें जमानत नहीं होगी, होती है जमानत, कोर्ट जमानत देते हैं, लेकिन आपके पास सॉलिड ग्राउंड होने चाहिए। और इसकी देखें इसकी जो ट्रायल है उस ट्रायल को भी इसको जो है वो करने के लिए आपको देखें स्पेशली इस केस में आपको जाना पड़ता है, इस केस को आपको रिसर्च करना पड़ता है, इस केस में खामियां ढूंढनी पड़ती हैं प्रोसिक्यूशन की कि प्रोसिक्यूशन ने कहाँ गलती की है। देखें जो आदमी चोर होता है ना वो कहीं ना कहीं गलती करता है, पकड़ा जाता है, तो आपने आँख बंद करके इस केस को नहीं चलाना बल्कि इसकी खामियों को ढूंढना है कि प्रोसिक्यूशन ने किस जगह खामियां की। जमानत भी इसकी आसानी से हो जाता है और मुलजिम जो है एक्विट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है अदालतें जो है वो उनकी प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी पे देखें, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है, लेकिन आप क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छा करें, आप अपने ग्राउंड जो है वो सारे लेकर आए रिकॉर्ड पर, आपने एक एक लफ्ज़ को कन्फ्रंट करना है,
एक एक सेंटेंस को कन्फ्रंट करना है, आपने उसके 161 को भी कन्फ्रंट करना है, आपने उसके एग्जामिनेशन चीफ को भी कन्फ्रंट करना है, आपने उसके तमाम डॉक्यूमेंट को कन्फ्रंट करना है, उसमें केमिकल एग्जामिनर की जो रिपोर्ट होगी उसको भी आपने कन्फ्रंट करना है, आपने उस पर ऑब्जेक्शन करना है। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है आपने उसको उससे प्रोसिक्यूशन से करना है, जो अमूमन इनका जो कंप्लेनर होता है वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, और ये इनके जो केसेस होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत मेहनत करके ये बनाते हैं। लेकिन आप भी अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे और आप इसमें विन करेंगे। तो देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, अगर किसी किस्म का कोई एडवाइस चाहिए हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। तो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।